वाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल अंडर द आर एम एन सी एच ए आर एम एन एच सी आर एम एन सी एच ए प्लस जो प्रोग्राम है हमने काफी अच्छी तरीके से पढ़ा है तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे प्रोग्रामों को तो यहां से इस प्रोग्राम के अंडर कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल है जो कि टेम्परेरी यानी स्पेसिंग मेथड है टेम्परेरी मेथड है यानी स्पेसिंग मेथड है या फिर डिलेइंग फर्स्ट प्रेगनेंसी मेथड है या फिर डिलेंगे फर्स्ट प्रेगनेंसी मेथड है लेकिन एक्सेप्ट करके आपसे यहां पर पूछा है एक्सेप्ट करके यहां पर पूछा है यानी सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉलोइंग सभी ऑप्शन में आर एम एन सी एच ए प्लस प्रोग्राम के अंडर सभी जो मेथड है यहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कैसे है स्पेसिंग मेथड है लेकिन एक ऐसा मेथड यहां पर इंक्लूड किया गया है जो कि स्पेसिंग मेथड नहीं है स्पेसिंग मेथड नहीं है मतलब कि लिमिटिंग मेथड है लिमिटिंग मेथड है तो आप सबको पता होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को दो टाइप से डिवाइडेड किया हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को दो टाइप से डिवाइडेड किया हुआ है स्पेसिंग मेथड पहला मेथड होता है दैट इज स्पेसिंग मेथड स्पेसिंग मेथड या फिर इनको जनरली अपन कहते हैं टेंपरेरी मेथड क्या कहते हैं टेंपरेरी मेथड कहते हैं दूसरा मेथड्स होता है दैट इज लिमिटिंग मेथड लिमिटिंग मेथड या फिर परमानेंट मेथड या फिर परमानेंट मेथड तो बेसिकली दो टाइप से कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो मेथड्स होते हैं उनको डिवाइडेड किया हुआ है आपको याद होना चाहिए क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है यह टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया कि सभी ऑप्शन यहां पर टेंप्रेरी मेथड है लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि यहां पर मैथडिंग मेथड नहीं है मेथड 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 नहीं है 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 तो कौन सा लिमिटिंग यानी परमानेंट मेथड है चलेगा आंसर आपको बताना है पहला ऑप्शन यहां पर है आई यूसी थ्री सेवन फाइव सेकेंड ऑप्शन है एन एस वी थर्ड ऑप्शन है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डंपा और फ्... फोर्थ ऑप्शन है यहां पर माला एन चलिएगा आंसर आपको बताना है कौन सा यहां पर लिमिटिंग मेथड है कौन सा यहां पर लिमिटिंग मेथड है क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा चलेगा यहां पर अगर अपन बात करते हैं यहां पर अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एन क्या होता है सर एन तो आपको याद होना चाहिए नॉन स्केपल वैसेक्टोमी नॉन स्केपल वेक्टोमी जो कि मेल स्टीलाइजेशन के लिए होता है किसके लिए होता है मेल स्टीलाइजेशन के लिए होता है, है. यानी मेल के अंदर लिमिटिंग मेथड माना जाता है एनएसवी नॉन या नो स्केपल स्केपल वेसेक्टोमी याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर बात करें तो देखेगा आई ये आपका स्पेसिंग मेथड है इंजेक्टेबल मेथड के अंदर जो डंपा है जो डंपा है वो भी क्या है स्पेसिंग मेथड है माला डी है या माला एन है ये आपका पिल्स है यानी कि ये भी स्पेसिंग मेथड यानी तीनों क्या है स्पेसिंग मेथड है लेकिन जो एन एस वी है ये आपका लिमिटिंग मेथड है परमानेंट मेथड है मेल के अंदर काम में लिया जाता है उम्मीद है समझ में आ गया होगा